हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करने जा रहे हैं क्लास टेंथ की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 6, जो कि आपकी डेट 16 जुलाई की है। सर्कल से रिलेटेड टर्म्स एंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम। ए सर्कल, सर्कल क्या है भाई? ए सर्कल इज ए क्लोज्ड कर्व हुज ऑल पॉइंट लाई इन द सेम प्लेन, जिसके जितने भी पॉइंट हैं एक ही प्लेन में लाई करते हैं। एंड आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, को भी फिक्स पॉइंट है, हर जगह से क्या होगा, डिस्टेंस उनका सेम होगा, ठीक है। द फिक्स पॉइंट कॉल सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाएगा। एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस, ये जितने भी फिक्स डिस्टेंस है ये क्या कहलाएंगी, रेडियस कहलाएंगी, ठीक है। आर्क क्या है? ए इट इज़ बेसिकली द कनेक्टेड कर्व ऑफ ए सर्कल, तो ये जो है ये क्या है आपका आर्क। कॉर्ड क्या है? ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ए बी इज ए कॉर्ड। यहाँ देखिए लाइन ऐसे डाल दी हमने इस पर, तो ये क्या कहलाएगी, कॉर्ड। ए कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर, जो सेंटर से पास होती है कॉर्ड उसको कहते हैं हम डायमीटर। सेक्टर क्या है? अब ए रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड आर्क ऑफ ए सर्कल, देखिए दो रेडियाई हैं और ये एक आर्क है, तो इसके बीच का जो हिस्सा है वो हमारा क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। सेगमेंट क्या है? ए रीजन बाउंडेड बाय ए कॉर्ड एंड एन आर्क लेइंग बिटवीन द कॉर्ड एट पॉइंट, देखिए ये कॉर्ड हमने डाली थी और ये आर्क, इसके बीच का जो रीजन है वो हमारा क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि इसके बिहाफ पे आप आगे के क्वेश्चन कर पाएंगे। इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, आप देखिए यहाँ पे ये इक्वल कॉर्ड है। सबस्टेंडेड इक्वल एंगल एट ए सेंटर, तो यहाँ सेंटर पे इक्वल एंगल है। कन्वर्जली द कॉर्ड आर इक्वल इफ द एंगल सबस्टेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेम सेंटर, यानी कि आपके अगर एंगल इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल होंगी, कॉर्ड इक्वल है तो एंगल इक्वल होगा। द एंगल सबस्टेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबस्टेंडेड बाय इट एन ए पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसमें क्या कह रहा है कि सेंटर से जो है आर्क पे जो एंगल सबस्टेंड बनेगा, वो जो एंगल होगा वो आपके द एंगल सबस्टेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एंड डबल होगा, ये वाला एंगल डबल होगा किसके, जो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनेगा, यानी कि अगर ये एक्स है तो ये आपका 2x होगा, अगर ये 50 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो इस वाले सर्कमफ्रेंस से डबल होगा। फिर थर्ड पॉइंट है आपका द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड, ये आपकी कॉर्ड है, ठीक है, इस पर परपेंडिकुलर डल रहा है, बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी कि हाफ हिस्सों में बांट देगा अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं सेंटर से कॉर्ड पर। इसका कन्वर्स है, उल्टा है, लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर, अगर इसको काट रही है तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, देखिए ये आपका कॉर्ड है सेम सेगमेंट पे, यहाँ यहाँ कहीं पे भी हम एंगल बनाएं बेस आपका सेम होगा, तो ये जो एंगल होगा सब सेम होगा, तो इन्होंने यही बोला है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल होगा, क्लियर है। फिर पॉइंट है आपका इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ये देखिए ये दो कॉर्ड है इक्वल है, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे, बराबर की डिस्टेंस पे हैं, और रिस्पेक्टिव सेंटर, इसका कन्वर्स क्या होगा, कॉर्ड आर इक्वल इफ दे इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, देखिए इसमें क्या बताया गया, अगर दो इक्वल कॉर्ड है तो उनकी डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होगी, अगर दो कॉर्ड बोल रखी है कि उनका डिस्टेंस इक्वल है तो वो कॉर्ड की लेंथ भी बराबर होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द सम ऑफ आइदर ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180, इसके अंदर अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन रहा है तो अपोजिट जो वो होंगे एंगल उनका सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है आपकी सर्कल की वो होती है डायमीटर, तो आप यहाँ लिख लेंगे डी आई ए एम ई टी आर डायमीटर। सेकेंड इज डैश इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क, तो यहाँ आपका आएगा सेगमेंट, ठीक है सेगमेंट। थर्ड है सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन रेडियाई जॉइनिंग एंड पॉइंट ऑफ ए आर्क टू द सर्कल एंड आर्क ऑफ द सर्कल, ये रिपीट हो रहा है पर ठीक है आप आर्क लिख दीजिएगा।
फोर्थ इज इन द गिवन फिगर बी ओ सी, ये देखिए बी ओ सी ऑफ ए सर्कल ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी आपका ए सी के इक्वल है, ये जो है आपका इक्वल है। देन एंगल ए बी सी, ए बी सी सॉरी ए बी सी, तो जब आपके ट्राइंगल में भी ये होता है दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए सी बी, ठीक है। तो ये हो गया। फिफ्थ है इफ इफ कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबस्टेंडेड इक्वल एंगल एट द देयर सेंटर, इक्वल है तो वो ए बी और ए सी जो कॉर्ड है वो भी आपके इक्वल होंगे ए में, ए ऑप्शन इसका ठीक है। सिक्स्थ है ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड्स है विथ सेंटर ओ सच डैट ए ओ बी, ए ओ बी ये जो आपका है ये 80 है, तो सी ओ डी कितना होगा, जब इक्वल कॉर्ड है तो इनका एंगल जो सेंटर पे बनेगा वो भी इक्वल होगा, ये 80 है तो ये भी 80 होगा, यहाँ आपका आएगा 80। यहाँ आपकी वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।